सिकंदर कंपू पहाड़ी पर मिले 11 साल के बच्चे की मौत का आज खुलासा हुआ है। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मौके पर उसके साथ मौसा था। मौसा ने ही सोने की चैन के लिए उस बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी और बड़ी निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई थी। सिर कुचल के हत्या की गई थी और उसके बाद पत्थरों से एक छोटे गड्ढे में उस बच्चे को ढक दिया गया था। इसमें चूंकि बहुत ही निर्ममता पूर्वक हत्या की गई थी, बड़ा सनसनीखेज अपराध था। इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए एडिशनल SP पश्चिम क्षेत्र श्री सत्येंद्र तोमर, CSP आत्मान शर्मा, थाना प्रभारी गिरवई और अपराध शाखा की टीम इसमें लगाई गई और लगातार काम करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि दूर से बच्चे के परिवार का रिश्ते में भी लगता है। और कुल मिला के घटनाक्रम यह है कि ये बच्चा घर के बाहर था दोपहर के समय और ये एक सोने का पेंडल और बाली पहने हुए था और आरोपी जो है ये सोने का पेंडल और बाली देख के उसके मन में लालच आ गया और आम तोड़ने के बहाने ये वीरपुर से अजयपुर तक उसको लेके गया सामान्य अनुक्रम में, चूंकि बच्चा इसको जानता था, बहुत अच्छा परिचित था। और वहां ले जाके पीछे से इसने लॉकेट खींचा, पेंडल खींचा, धागा उसका मजबूत था तो बच्चा हल्का सा बेहोश हो गया। फिर इसने इसका गला दबाया, वहीं रखे हुए पत्थर से इसका सिर कुचला, एक छोटे से गड्ढे में इसने उसके पत्थरों से लाश दबा दी। परंतु जो उसने पत्थर रखे उससे घुटने और उसके कुछ पैर दिख रहे थे और जब बच्चे की तलाश चालू हुई तो इसकी बॉडी वहां पर गड्ढे में मिली। और इसमें बहुत ही अच्छी मेहनत करते हुए इस आरोपी को पकड़ा है और साथ ही जो इसमें टिप मिली है उसमें जो वहाँ के गांव वाले हैं उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छा सहयोग किया। जो आरोपी पकड़ा गया है उसने पूर्व में भी इस प्रकार एक संपत्ति संबंधी अपराध में रहा है, जिसमें उसने एक महिला की पैंडल और कान की बाली चुराई थी। तो अभी प्रारंभिक तौर पर उसके दो अपराध हो गए हैं और इसके अलावा जो ये पैंडल और बाली थी वहीं पास के एक स्थानीय ज्वेलर को इसने 1800 रुपये में, हाँ 1750 रुपये में उसने बेचा था। तो वो ओरिजिनल पेंडल और बाली जब्त हो गई है और इस अपराध को हम सनसनीखेज अपराध में रख रहे हैं। और इतनी तत्परता से इसमें बच्चे के जो अंधा कत्ल था आरोपी को पकड़ा है, तो पुलिस महानिरीक्षक महोदय ग्वालियर जोन शर्मा सर द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड इसमें दिया जा रहा है। और हमारा प्रयास रहेगा कि माननीय न्यायालय में जल्द से जल्द चलान पेश करके इसमें कठोरतम सजा इसको दिलवाई जाए।